नाम वाहे गुरु सतनाम। हेलो एवरीवन, आज हम जाने लगे हैं पांवटा साहिब जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। जैसे कि आप जानते हो कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आपको दिखाया था कि हमने लोगों ने लच्छी वाला नेचर पार्क में खूब एंजॉय किया। वो था हमारा सेकंड डे और वहां से ट्रैवलिंग करते करते रात हो चुकी थी, बहुत ज्यादा हम टायर्ड हो चुके थे क्योंकि हम लोग पहले गए थे हरिद्वार, हरिद्वार से गए लच्छी वाला नेचर पार्क और फिर हमने स्टे किया। तो अब हम आए हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश जो कि पांवटा साहिब है, यहाँ के हम आकर दर्शन करेंगे, बहुत आनंद आएगा गाइस। मैं आपको साथ साथ यहाँ की हिस्ट्री भी बताती रहूंगी। सो चलिए अंदर चलते हैं गुरुद्वारे के और दर्शन करते हैं। मैं बिल्कुल गुरुद्वारे के बाहर आ चुकी हूँ और गुरुद्वारे के बाहर ही आपको ऐसे पार्किंग बहुत ईजिली मिल जाएगी। गुरुद्वारा पांवटा साहिब हिमाचल प्रदेश का बहुत ही फेमस गुरुद्वारा है। ये गुरुद्वारा सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने स्थापित किया था। इस जगह का नाम पहले पांवटिका था। पांवटा शब्द का मीनिंग है पैर एंड इस जगह का नाम इसके अर्थ के अनुसार बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ऐसा माना जाता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी अपने घोड़े से जा रहे थे तथा इसी स्थान पर पहुंचकर उनके घोड़े अपने आप रुक गए, तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने इसलिए पांव और ठीके को मिलाकर इसे पांवटा का नाम दिया और गुरु गोबिंद सिंह जी ने इसी स्थान पर गुरुद्वारा स्थापित किया था। ऑलमोस्ट 4.5 साल उन्होंने अपने जीवन के यहाँ बिताए। इसे बहुत ही हिस्टोरिकल गुरुद्वारा भी कहा जाता है। यहाँ पर इंडिया से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। पांवटा साहिब आने वाला हर एक व्यक्ति, वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, पर गुरुद्वारे में माथा टेकने ज़रूर आता है। हर साल पांवटा साहिब में होली मोहल्ला बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है एंड सभी धर्म के लोग इसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी ऑलमोस्ट 4.5 साल तक पांवटा साहिब में रहे। इसी टाइम यहाँ रहकर उन्होंने बहुत सी गुरबानी की रचनाएं भी की। ये है कवि दरबार जिसकी स्थापना भी गुरु गोबिंद सिंह जी ने ही की थी, जिसमें 52 भाषाओं के अलग अलग कवि थे। कवि दरबार स्थान पर गुरु महाराज जी कवियों से कविताएं सुनते थे और उन्हें नाम के तौर पर उन्हें सोने की मोहरे दिया करते थे। पालकी साहिब के पीछे ही आपको यमुना नदी दिख जाएगी। लोक कथाओं के अनुसार पास में बहती यमुना नदी जब बहुत ही शोर के साथ बह रही थी, तब गुरु जी के अनुरोध पर यमुना नदी गुरुद्वारे के पास से शांत होकर बहने लगी। गुरु जी यमुना के किनारे बैठकर दसम ग्रंथ लिख सके। तब से लेकर यहाँ पर यमुना नदी बिल्कुल शांत होकर बहने लगी। अभी गुरुद्वारे में कंस्ट्रक्शन चल रही है, उसी का ये 3D मॉडल रेडी किया है कि गुरुद्वारा तैयार होने के बाद कुछ इस कवि दरबार के साथ ही यहाँ पर यात्री निवास है, जहाँ पर दूर से आई संगत या कोई भी जो थोड़ा आराम करना चाहते हैं वो यहाँ पर कर सकते हैं। पांवटा साहिब में रहकर गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1686 में अपनी पहली लड़ाई लड़ी थी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने 20 साल की उम्र में ये लड़ाई लड़ी, जिसमें उन्होंने राजा फतेह साहिब को हराया था। ये है वो पवित्र जगह जहाँ पर कलगीधर पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अपनी दस्तार सजाया करते थे एंड यूज टू एडमायर दी नेचर। यहीं पर सुंदर दस्तार सजाने वाले को प्राइजेस भी दिया करते थे। बंगानी साहिब के युद्ध को जीतने के बाद जब गुरु साहिब अपने केसों को कंघा कर रहे थे, तब जाने माने मुस्लिम संत पीर बुद्धू शाह जी, जिन्होंने बंगानी साहिब की जंग में उनके साथ थे,
वो उनसे वापस जाने की आज्ञा मांगने आए, तब गुरुजी ने कहा, पीर जी हम आपकी सेवा से बहुत खुश हैं, जो मांगना है वो मांगिए। तो पीर जी ने कहा, यदि आप इतने खुश हैं तो अपना कंघा केसों के साथ मुझे बख्शें। गुरुजी ने खुश होकर अपनी आधी दस्तार और केसों समेत कंघा पीर जी को सिरोपे के रूप में दे दिया। साहिबजादा अजीत सिंह जी, जो कि गुरु गोबिंद सिंह जी के सबसे बड़े पुत्र थे, उनका जन्म भी यही हुआ था। उनके नाम से यहाँ निवास भी बना हुआ है एंड नीचे ही लंगर हॉल है, जहाँ पर हर रोज़ हज़ारों की गिनती में लोग लंगर खाने आते हैं। अगर आप यहाँ आएँ तो गुरु का लंगर ज़रूर शक के जाना। ये है यहाँ का रसद घर, जहाँ पर लंगर का सारा सामान रखा जाता है एंड बैक साइड पर ही है रसोई घर, जहाँ पर लंगर तैयार किया जाता है। गुरु के लंगर की सेवा में बच्चे, औरत, बुजुर्ग सब मिलजुल कर सेवा का आनंद उठाते हैं। गुरु की सेवा में लंगर दिन रात चलता है, जिसे बनाने में बहुत बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ एंड पतीलों का इस्तेमाल किया जाता है। गुरुद्वारे की ये खास बात है कि यहाँ पर कोई भी धर्म जाति के लोग यहाँ आ सकते हैं और गुरु का लंगर शक सकते हैं। गुरुद्वारे के अंदर ही है गुरमत लिटरेचर हाउस, जहाँ से आप गुरबानी से जुड़ी बुक्स, रुमालास एंड सिखिज्म से रिलेटेड हर तरीके की होली बुक्स परचेज कर सकते हैं। गुरुद्वारे के बाहर ही मार्केट है, जहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स हैं जिनके पास सिक्खी कड़ास, कंगा, सरोपा, पटकास, रुमालास एंड गुरुओं की फ़ोटोज़ भी है। साथ ही में बच्चों के लिए भी बहुत सारे टॉयज़ एंड डिफरेंट टाइप्स की गेम्स हैं, तो यहाँ पर आकर आप ये सब चीज़ों की भी शॉपिंग कर सकते हैं। लंगर खाने के बाद हम लोग सीधा बाहर आए हैं गुरुद्वारा साहिब से, तो इसके बाहर ही आपको बिल्कुल यमुना नदी दिख जाएगी, जो कि इस टाइम पर बहुत अच्छी खासी भरी हुई है पानी से। जो मैंने आपको व्यू दिखाया था वो मैंने आपको गुरुद्वारा साहिब से दिखाया था, बिल्कुल वहाँ पालकी साइड के पीछे ही विंडो से व्यू दिख रहा था। तो मैं आपको बिल्कुल पास जाके नीचे जाकर दिखाऊंगी कि यहाँ पर यमुना नदी किस तरीके से दिख रही है। गुरुद्वारे के दर्शन करने के बाद आप यमुना के किनारे बैठ सकते हैं, जहां पर आपके मन को शांति मिलेगी एंड ब्यूटीफुल व्यू को भी एंजॉय कर सकते हैं। अब हम लोग गुरुद्वारा पौंटा साहिब से निकल कर जा रहे हैं गुरुद्वारा शेरगढ़ साहिब, जो कि यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पे है। अप्रॉक्स हमें 10 से 12 मिनट लग जाएंगे वहाँ पहुँचने के लिए। तो मैं आपको थोड़ा सा रास्ते का व्यू दिखा देती हूँ और फिर सीधा वहाँ जाके गुरुद्वारे के दर्शन करेंगे। यहाँ से होती है गुरुद्वारा साहिब की एंट्री और इस टाइम पे भी गुरुद्वारे में काफ़ी लोग आ रखे हैं। आप देख रहे होंगे पीछे बसों में भी काफ़ी लोग यहाँ पर ट्रेवल करते हुए आए हैं। तो चलते हैं अंदर और गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करते हैं और आनंद लेते हैं। तो ये है वो गुरुद्वारा जहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने शेर का शिकार किया था। ऐसा कहा जाता है जब वहाँ के लोग उस शेर से बहुत ही ज़्यादा दुखी थे, तो उन्हें पता लगा कि गुरु साहिब जी आनंदपुर साहिब से होकर पौंटा साहिब की धरती पर आए हुए हैं। तो उन्होंने वहाँ जाकर अपना दुखड़ा उन्हें बताया कि यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक शेर रहता है, जो कि लोगों को बहुत ही परेशान करता है।
तो अगले ही दिन गुरु साहिब जी वहां पहुंचे और उन्होंने उस शेर को अपनी तलवार से चीर दिया और उसका शिकार किया। ये भयानक शेर द्वापर युग में राजा जयदरथ था जिसने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को धोखे से मरवाया था। तभी से इस गुरुद्वारे का नाम शेरगा के नाम से जाना जाता है। नाम वाहे गुरु सत नाम वाहे गुरु सत नाम वाहे गुरु वाहेगुरु दे प्यारे हो बैठ के ध्यान नाल बेनती कीती ते कहा सतगुरु सच्चे पातशाह जी नाल लगते जंगल दे विच एक बहुत भारी खतरनाक चिट्टे रंग दा केरी शेर साडे उत्ते जुल्म कर रहा है, कृपा करके इहदे जुल्म तों सानू गरीबां नू बचाओ। संगतां दी बेनती प्रवान करके सतगुरु सच्चे पातशाह जी प्रसादी हाथी ते सवार हो गए। पिछे बहेड़े दे रुख दे इधरले पासे प्रसादी हाथी तो उतर के बहेड़े दे थल्ले खड़े होके। आई होप आपको भी गुरुद्वारे के दर्शन करके खूब आनंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाती रहूं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलूँगी आपसे जल्द ही अगली वीडियो में।